नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं हूं मोहित और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज मैं जहां पर आपको लेके जाने वाला हूं वो एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा प्राचीन और ऐतिहासिक है। और मेन केंद्र जो है वो है शिवजी की त्रिमूर्ति प्रतिमा। और आपको यहां के लिए इंडिया गेट से बोट मिलेगी और बोट में अप्रोक्स आपका 260 रुपीज़ पर पर्सन उसमें आने का जाने का दोनों तरफ का रहता है। और यहाँ से अप्रोक्स आपका टाइम 45 to 60 मिनट के अराउंड टाइम लग जाता है यहाँ से। तो चलो चलते हैं फिर एलिफेंटा की गुफाओं की तरफ, यहाँ से बोट में बैठकर। और बोट का भी मैं आपको बता दूँ तो दो, एक नीचे पोर्शन होता है, एक ऊपर होता है। तो अगर आपको ऊपर बैठना है ऊपर वाले पोर्शन में तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अंदर जाकर ऊपर बैठने के लिए। तो हम तो भाई ऊपर ही बैठ के व्यू का मज़ा लेना चाहते हैं, तो 10-10 रुपये एक्स्ट्रा दे के हम लोग ऊपर की तरफ चल दिए। और ऊपर से क्योंकि अमेजिंग व्यू है देखने के लिए, तो आप भी अगर देखना चाहते हो तो 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और जैसे यहाँ से बोट निकलती है तो उस टाइम इंडिया गेट और ताज होटल का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है, जो कि आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे पिक्चर वगैरह और वीडियो वगैरह, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। और रास्ते में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बोट बड़ी बड़ी देखने को मिलेंगी और काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे, तो आप बोरिंग नहीं होंगे इस 1 घंटे के अंदर। तो आप और खाने पीने को आप कुछ कैरी कर ले, बिकॉज बोट में भी अंदर काफ़ी कुछ खाने पीने को मिल जाता है इजीली। बट अगर आप बाहर से करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि लंबा सफ़र है थोड़ा 45 to 60 मिनट का, तो कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए ही, तो वैसा आप कुछ कर सकते हो यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं धारापुरी द्वीप, जिसे एलिफेंटा द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको बोट से उतरते ही कुछ ऐसी मार्केट सी देखने को मिलेगी, जहाँ पे खाने पीने का सामान आपको दिखेगा कुछ। और यहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी चलती है, जिसका कि 18 रुपये पर पर्सन है आने का जाने का। वैसे तो ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, अप्रोक्स आपका 100 मीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके आगे तक, जहाँ तक ये ट्रेन जाती है। बट फिर भी अगर आप टॉय ट्रेन को इंजॉय करना चाहते हैं, राइड लेना चाहते हैं, तो ईज़िली ले सकते हैं। 18 रुपये एक पर्सन का आने जाने का दोनों तरफ का है। जब आप वापस आओगे तब भी आप इस ट्रेन में आ सकते हो। और यहाँ पहुँचते ही आपको 5 रुपये पर पर्सन एंट्री देनी पड़ेगी नीचे। फिर यहाँ से मार्केट स्टार्ट है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ परचेज़ वगैरह करना चाहते हो, क्योंकि काफ़ी कुछ है यहाँ पे, मालाएं वगैरह, स्टोन वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह, काफ़ी कुछ है छोटा मोटा सामान, अगर आप कुछ लेना चाहते हो। और अप्रोक्स ये 100 से 200 मीटर लंबा यहाँ पे मार्केट है, और थोड़ा खड़ा रास्ता है, चढ़ाई वाला है, स्टेप बाई स्टेप है ऊपर तक एलिफेंटा की गुफाओं तक। और उसके बीच में काफ़ी मार्केट है ये, और यहाँ पे खाने पीने को भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह है, तो आप यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हो और कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा केव्स के गेट के पास, और यहां से भी हम अंदर एंटर करेंगे। और यहां पे एंटर करते ही आपको सबसे पहले लेनी पड़ेगी टिकट, जो कि पर पर्सन रहेगा 40 रुपीज़, तो 2 पर्सन है तो 80 रुपीज़। तो यहां पे आप सबसे पहले टिकट काउंटर पे टिकट लोगे, एंड देन आफ्टर आप अंदर एंटर कर जाओगे। तो यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले आ जाती है केव नंबर 1,
और यहाँ पे है, और यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केव है। यहाँ पे आपको अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रतिमाएं, मूर्तियाँ और ऐतिहासिक चीज़ें और कलाकारी देखने को मिलेगी उस समय की। और मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूं तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, यह पश्चिम भारत में मुंबई के पास एलिफेंटा या धारापुरी द्वीप पर 5वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य में शैव अवस्था के प्रभुत्व वाली चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। और इस द्वीप में 5 हिंदू गुफाएं, पानी के टैंक वाली 2 बौद्ध गुफाएँ और ईसा पूर्व 2री शताब्दी के कुछ बौद्ध स्तूप टीले हैं। और जो एलिफेंटा द्वीप है, ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर से में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये कोंकणी मौर्य की द्वीप राजधानी थी। और जो एलिफेंटा नाम दिया गया था वो पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बनाए गए पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। तो यहाँ पर टोटल 7 गुफाएं हैं और इनकी खोज राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। और यहाँ पर आपको शिव जी की ही प्रतिमाएं और अलग अलग रूप में उनका हर रूप यहाँ को देखने को मिलेगा, शिव जी पार्वती का। और कुछ एक जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियाँ, वो खंडित भी हो चुकी हैं, बट फिर भी काफ़ी ही ज़्यादा आपको एक सुकून सा मिलेगा यहाँ पे आके, और एक देखने में एक एहसान सा होगा कि उस समय कैसे ही ये प्रतिमाएं बनाई गई होंगी और कैसा ही यहाँ पे फील होता होगा। तो आप खुद वो चीज़ यहाँ आकर देख सकते हो। अलग अलग तरह की यहाँ पे प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यानी आकर्षण का एक मेन प्रतिमा है वो है शिव जी की त्रिमूर्ति प्रतिमा, जो कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करती है। त्रिमूर्ति प्रतिमा शिव जी की यह वाली, और इसमें जो है वो शिव जी के तीनों रूपों का चित्रण किया गया है। आप देख ही सकते हो, देख के खुद ही फील कर सकते हो। और आपको बता दूँ तो जो महायोगी शिव जी की प्रतिमा है, यह कर्नाटका के एक राजा द्वारा बनाई गई थी, और इसीलिए इस मंदिर को 1987 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में भी दिया गया है। और यहाँ जो है, ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये है नटराज शिव जी की। और यह जो है, ये गर्भगृह है जो कि इसके अंदर मोनोलिंग शिवलिंग स्थापित किया गया है। और गुफा नंबर 1 के निकलते ही लेफ्ट साइड को आप देखोगे तो यहाँ पे ये बाहर को द्वारपाल है और अंदर ये शिव जी का शिवलिंग है, मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस मंदिर के इस साइड को भी यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे गणेश जी की भी प्रतिमा है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 3 गुफाएं देखने लायक हैं, और जो कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। और 2 गुफाएं यहाँ पे खंडित हो चुकी हैं, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा की गई थी, उनके द्वारा इन गुफाओं पे तोहफे फेंकी गई थी, तो उस वजह से ये खंडित हो चुकी हैं। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये शिवलिंग ही देखने को मिलेंगे, शिव जी के मंदिर ही देखने को मिलेंगे। और इस गुफा को आप देख सकते हो कैसे ये खंडित हो चुकी है ब्रिटिशों के द्वारा। Oh.
और यहाँ पे बंदरों से ज़रा बच के रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर हैं वो काफ़ी नटखट हैं और काफ़ी ही ज़्यादा टूरिस्ट को परेशान करते हैं। वो आपके बैग्स वगैरह से सामान भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा बंदरों का ध्यान रखना है। और ये जैसे जो टिकट होती है उसके साथ ही यहाँ पे ये हिस्ट्री वगैरह भी बताई गई है, तो आप यहाँ पे खड़े होकर इसकी हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ सकते हो। और देन आफ्टर उसके बाद अभी हमको लगी थी भूख, तो अभी हमने किया लंच, और लंच थोड़ा कॉस्टली भी किया, यानी आपको अराउंड ये 220-300 के बीच में थाली वगैरह इसलिए मिल जाएगी। और आपको बोलना नहीं है कि वापसी में आपको लास्ट पोर्ट जो है वो 5:30 पे मिलेगी, तो उससे पहले पहले आपको ये पूरा एक्सप्लोर कर लेना है और अपने वापस निकल जाना है गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। फ्रेंड्स, अभी हम आप जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स, और यार क्या ही बताऊँ कितनी खूबसूरत है। और उसके बाद हम वापस गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए हैं। अब यहां से हम लेंगे बस और फिर जाएंगे वापस जहां पे स्टे करा है, और उसके बाद देखते हैं फिर शाम को कौन सी लोकेशन में निकलते हैं। फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।